नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि शायद तुम्हें ना पता हो और तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दर्द बन गया हो। आजकल जैसे तुम्हें पता है कि बहुत सारी जॉब्स लगभग सारी जॉब्स कंप्यूटर बेस्ड है, कम से कम पढ़े लिखे लोगों की, चाहे बैंक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर भी आजकल कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। तो बहुत लोगों के क्या आँख में दर्द होने लग गए, तो मेरे साथ भी हुआ। तो मैं नहीं बताता, मैं बता दूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मेरे साथ में भी हुआ। मैं 7-8 साल कंप्यूटर पे काम किया था शुरू के, 2-3 साल बाद में ही मेरी आँख में दर्द होने लगा। मैं लैपटॉप पे काम करता था, ठीक है, तो आँख में दर्द होता था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ड्राइनेस है, ड्राइनेस भी महसूस होती थी, आँखें जलती भी थी, तो ड्राइनेस की कई सारी दवाइयाँ डाली, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। चल, और उसके अलावा मैं डॉक्टर्स को बोलता था कि मेरी ये तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई, आँख में दर्द हो रहा है, उसका क्या इलाज है? तो डॉक्टर्स किसी ने कुछ फंडा दिया, किसी ने कुछ फंडा दिया, कोई कह रहा है कि एक उम्र आएगी 26, 27, 28 की, उसके बाद में ठीक हो जाएगा, और किसी ने फंडा दिया कि स्टीरॉइड्स लगा करके देखने पड़ेंगे, ये दवाइयाँ लो, किसी ने गोलियाँ खिलाई, कुछ भी किया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने नेट पे देखा कि कंप्यूटर आई स्ट्रेन के लिए किसी ने कहा ये खाने से ठीक होता है, मतलब ये फ्रूट्स खाओ तो ठीक होता है, किसी ने गाजर खाओ, ये खाओ खाओ, नहीं ठीक हो रहा था, ठीक है। तुम्हारे साथ में भी तुमने कुछ कुछ बहुत कुछ ट्राई किया होगा, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और नंबर नहीं आ रहा था आँख पे, नंबर नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सब पढ़ पा रहा हूँ। जब भी वो कहते थे ना कि हो सकता है नंबर आ गया इसलिए आपकी आँख में दर्द हो रहा हो, तो मेरी आँख में कोई नंबर नहीं था, मैं सब कुछ पढ़ पा रहा था, तो नंबर डिटेक्ट ही नहीं होता था कोई नंबर है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं चश्मे वाले के पास गया। तो चश्मे वाले को तो क्या है कि चश्मा बेचना होता है ना, तो नंबर थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो वो निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कह दिया कि इस आँख में 0.25 है, इस आँख में 0.5 है। ये बहुत ही स्टार्टिंग नंबर्स होते हैं, और ये इन जनरल किसी के भी हों तो हो सकता है उसे पता भी नहीं चले, 0.25 तो वो चश्मा भी नहीं देते डॉक्टर्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू चश्मा बना दे। उसने चश्मा बना दिया, चश्मा लगाया कुछ टाइम मैंने, तो चश्मा लगाया उसके बाद में मैं लैपटॉप पे काम करता, लैपटॉप इतना होता है ना, तो लैपटॉप पे काम करता था, फिर मेरी आँखों में दर्द हो जाता था। लैपटॉप हम कितनी दूर रखते, इतनी दूर रखते, यहाँ पे रखते हैं लैपटॉप, इतनी दूर रखते और काम करते, फिर आँखों में दर्द हो जाता था। और मुझे लगा कि ये जो स्क्रीन से लाइट निकलती है सीधी हमारी आँख पे जाती है, इसलिए दर्द हो रहा होगा। तो पहले एंटी ग्लेयर और ये पता नहीं लोगों की परेशानियों के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं, तो मैंने वो ख़रीदा, 4-5 साल पहले ख़रीदा था, ये अभी दिसंबर 2018 में वीडियो बन रहा है, मैंने 4-5 साल पहले ख़रीदा था, 2013 के आसपास, 12 के आसपास, 6 साल पहले। तो वो यूज़ किया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, 1-2 महीने तक लगा कि शायद कुछ फ़र्क हो रहा हो, पर नहीं। फिर अभी 1-1.5 साल पहले लेंस कार्ड पे ब्लू कट बहुत चल रहा था, लेंस कार्ड पे भी और ऑफलाइन भी मिलता है ब्लू कट लेंस, जो कि कंप्यूटर और टीवी और मोबाइल से आ रही ब्लू रेज को रोकता है, तो मैंने वो भी ट्राई किया, तो उससे भी दर्द हो रहा था, मतलब उसके बावजूद भी दर्द हो रहा था, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहानी है। फिर मैंने नेट पे सर्च करा कि भाई कहानी क्या है आखिर, कोई देसी इलाज है, हो क्यों रहा है, क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं 10 दिन तक कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल पर काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी आँख में दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे कोई नंबर के चश्मे की ज़रूरत नहीं है, कभी महसूस नहीं हुई, सिर्फ कंप्यूटर पर काम करता हूँ और मोबाइल पर काम करता हूँ रेगुलर, रोज के रोज तो दर्द होता है। अगर मैं 8-10 दिन कंप्यूटर पर मोबाइल पर काम नहीं करूँगा, या 2-3 दिन में नहीं करूँगा और उसके बाद में मैं कुछ दिन नहीं करूँगा, तो मेरी आँखों में दर्द नहीं होगा। मुझे दिखता सब है, चश्मे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आँख में भी दर्द नहीं होएगा अगर मैं काम नहीं करूँगा स्क्रीन के ऊपर। और दूर से टीवी देखता हूँ, टीवी हम एकदम ऐसे नहीं देखते ना जैसे लैपटॉप या मोबाइल देखते हैं, दूर से टीवी देखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही, हम टीवी देखते हुए या मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते हैं, पलक नहीं चिपकाते, तो दूर से टीवी देखते देखते रहते तो थोड़ी सी आँख जलने लग जाए, वो बात अलग है। पहले तो मैं बता दूँ, आँख जलने का जो प्रॉब्लम थी, इसमें एक सिस्टेन अल्ट्रा नाम की दवाई है, मैंने वो अभी इस टाइम पे मैं करीब 2-2.5 महीने से डाल रहा हूँ। आँख जलने की मेरे को प्रॉब्लम ना के बराबर है, पहले भी कई लोगों ने बोला कि आँख जलने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी सिस्टेन अल्ट्रा से, नेट पे भी रिव्यू थे, मेरे को किसी रिलेटिव ने भी बताया और मैंने भी डाला, मेरी आँख जलने की प्रॉब्लम कम है। तुम सिस्टेन अल्ट्रा ट्राई करके देख सकते हो, पर उसकी एक जो बॉटल आती है
थोड़ी महंगी आती है, वो 350-400 रुपये के आसपास आती है और वो करीब एक महीने चलती है। तो अगर तुम्हारे बजट में नहीं हो तो तुम देसी इलाज यूज़ कर सकते हो, जिसमें आँखों में तिरफ लगा पानी डालते हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, गुलाब जल डालते हैं और बासी थूक लगाते हैं, वो तुम देसी इलाज ट्राई कर सकते हो। पर ये मेन आँखों के दर्द के लिए बता रहा हूँ मैं। सिस्टेन अल्ट्रा आँखों की जलन के लिए ट्राई करके देख सकते हो, फर्क लगे 1-1.5-2 महीने ट्राई करके देख सकते हो, फर्क लगे तो यूज़ करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। आँखों के दर्द के लिए आगे बता रहा हूँ, जो कि खास है। आँखों का दर्द क्या है कि मैंने नेट पे रिसर्च करी तो मेरे को समझ आया कि डिस्टेंस जो है ना भाई, टीवी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आंखों में दर्द नहीं हुआ, चश्मा नहीं लगा। मैं 8-9 साल का, 7-8 साल का था तब से टीवी देख रहा हूँ और मैं दिन में बहुत घंटे टीवी देखता था, मेरे में दर्द नहीं होता। अब मैं 5 मिनट कंप्यूटर पर बैठ जाता हूँ, मेरे दर्द हो जाता है। लैपटॉप है, मोबाइल 10-15-20 मिनट यूज़ कर लेता हूँ, मेरे आँख में दर्द हो जाता है। क्यों? स्क्रीन तो दोनों है, दोनों आँख पर लाइट फेंक रही है, ये पास से फेंक रही है, वो दूर से फेंक रही है, तो हो सकता है उनकी किरणें आती आती हमारी आंखों तक, टीवी की किरणें आती आती मंद हो जाए तो शायद हमारी आंख पे कम असर पड़ रहा हो, इनकी किरणें हमारी आंखों पे बहुत पास से पहुंच रही है तो हो सकता है वो मंद ना हो, तो ये भी कारण हो सकता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने देखा कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीवी दूर रहता है, टीवी हम यहाँ से नहीं देखते, तो फिर मैंने देखा कि क्या किया जाए डिस्टेंस के लिए। इसमें क्या है कि डिस्टेंस आपका लैपटॉप इतना सॉफ्ट है ना, ठीक है, आप लैपटॉप यहाँ पे रख लोगे, यहाँ पे रखे देखते हो, आप अपने बिस्तर पे रख लेते हो या फिर अपनी टेबल पे रख लेते हो ऑफिस में, और लैपटॉप को यहाँ से देखते हो, ठीक है। अगर आप दूर चले जाओगे अपने लैपटॉप से, दूर जाते जाओगे मान लो 1-1.5 मीटर दूर चले गए, तो जो लैपटॉप पे लिखा है वो छोटा हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके चश्मा लगा हुआ है, मतलब आपके नंबर है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, वो आदमी की आँख बनी ऐसे है कि आप इतना छोटा लिखा हुआ 1-1.5 मीटर से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे, लैपटॉप को जूम करोगे, लैपटॉप पे जो भी अक्षर लिखे हुए उन्हें बड़ा करोगे, उन्हें बड़ा करोगे, दूर बैठोगे तो देख पाओगे, ठीक है। लेकिन तुम उन्हें बड़ा कर लोगे, स्क्रीन उतनी सी है तो वो अक्षर बड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारे लैपटॉप पे जितनी चीजें आ रही है वो कम हो जाएगी, तो तुम्हें क्या चाहिए, एक बड़ी स्क्रीन जिसके अंदर सब कुछ समा भी जाए और बड़ा बड़ा भी दिखे, मतलब बड़ा मॉनिटर, ये इलाज था, ठीक है। तुम क्या करो कि देखो, इलाज दो है, ठीक है, एक तो डिस्टेंस दूरी, दूसरा जो तुम पढ़ रहे हो ना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट पे जो मुझे मिला वो ये था कि दूरी इलाज है, दूरी डिस्टेंस इलाज है, ठीक है। और मेरे पर्सनल अनुभव जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से जो दूरी तो रखनी है, पर जो अक्षर है वो बड़े होना मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा इलाज है, ठीक है। जो तुम पढ़ रहे हो बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा इलाज है, मैंने अपने अनुभव में महसूस किया पिछले 2 महीनों में, दो नहीं चार, 3-4 महीनों में। अब कैसे, देखो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये मेरा मॉनिटर है, ठीक है, इसको मैंने अपने कंप्यूटर से, मतलब मेरे पास में एक पीसी है, ठीक है, उस पीसी के साथ में एक मॉनिटर आता है, वो थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, लैपटॉप से बड़ा था पर छोटा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये मॉनिटर ले लिया, ठीक है। इस ये है 32 इंच का मॉनिटर, ये एक टीवी है, टीवी मैंने टीवी को ही मॉनिटर की तरह जोड़ लिया, ठीक है। 32 इंच का मॉनिटर है और मैं इससे करीब 1.5 मीटर दूर बैठता था, ठीक है, 1.5 मीटर मान लो मैं लगभग इससे दूर बैठता था। अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, उसका इलाज भी मैं बताऊंगा, लेकिन 32 इंच का मॉनिटर मैं 1.5 मीटर दूर बैठता था और 2-3-4 घंटे काम करने के बाद से मेरी आंख का दर्द होना बंद हो गया, ठीक है, 2-3-4 महीने नहीं, दिन नहीं, घंटे, ठीक है। अब आती है फॉन्ट साइज की बात, जब तुम बड़ा मॉनिटर लोगे, जैसे तुम बड़ा मॉनिटर लोगे, जैसे ये बड़ा मॉनिटर है, ठीक है, और मैं अभी इससे करीब 80.8 मीटर दूरी पे हूँ, लगभग मैं 0.8 से 1 मीटर दूरी पे हूँ, ठीक है। तो तुम देखो अगर इसका रेजोल्यूशन मैंने जैसे सेट किया है ना, अगर तुम थोड़ा सा मैं पास से तुम्हें दिखाऊं, मैंने इसका जैसे रेजोल्यूशन सेट किया है उससे क्या है, ये बड़ा ही आएगा स्क्रीन के ऊपर, जो भी आएगा ना वो बड़ा ही आएगा, वो बड़ा ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो भी दे रहा है वो मॉनिटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से दे रहा है, मॉनिटर पर जितना दिख सकता है उस हिसाब से, तो ये बड़ा मॉनिटर है तो इस पर बड़ा ही आएगा अपने आप। रेजोल्यूशन कैसे सेट करना है इंटरनेट पर मिल जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मेन बड़ा मॉनिटर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब सवाल उठता है, मतलब आप तुम चाहो बड़ा मॉनिटर ले लिया और तुम 1-1.5 मीटर दूर बैठे,
मतलब मैं 1.5 मीटर दूर बैठता था, तुम 0.8 मीटर या 1 मीटर दूर भी बैठोगे तो भी चल सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि इतना दूर बैठने के बाद, 1 मीटर दूर बैठने के बाद में भी आंख में दर्द हो रहा है और मॉनिटर भी बड़ा है, तो तुम उस मॉनिटर में जो फॉन्ट साइज है ना वो बड़ा कर लो। जैसे गूगल क्रोम में काम कर रहे हो ना, तो ये कंट्रोल प्लस प्लस दबाओगे ना तो ये बड़ा होता जा रहा है, देखो ठीक है। कंट्रोल माइनस माइनस दबाओगे तो ये कम होता जा रहा है। कोई और जैसे नोटपैड में काम कर रहे हो या सबलाइम टेक्स्ट किसी टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उनमें भी जूम करने का ऑप्शन होता है, वो इंटरनेट पे देख लेना जूम कैसे होता है। फॉन्ट साइज बड़ा कर लेना, ठीक है, शब्द बड़े दिखने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा मॉनिटर, बड़ा मॉनिटर दूर बैठे। बड़े मॉनिटर की हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर हम छोटे मॉनिटर पे ही दूर बैठेंगे तो वो अक्षर उसमें छोटे ही दिखेंगे ना। छोटे मॉनिटर पे तुम छोटे मॉनिटर पे छोटे अक्षर दूर से देखोगे तो तुम्हारी आंख पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। एक तो तुम देख नहीं पाओगे, और देखोगे फिर भी कोशिश करो तो आंख पे और ज्यादा जोर करेगा, आंख और ज्यादा खराब हो सकती है, हो जाएगी शायद। और तुम छोटे मॉनिटर पे कंट्रोल प्लस प्लस करके अगर अक्षर बड़े करोगे तो वो सब कुछ मॉनिटर के अंदर आएगा ही नहीं, वो लैपटॉप की छोटी सी स्क्रीन के अंदर, वो 14 इंच की स्क्रीन के अंदर सब कुछ आएगा ही नहीं। तो तुम्हें स्क्रीन बड़ी चाहिएगी, और वो ये है मॉनिटर, बड़ी स्क्रीन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि तुम इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं अफोर्ड कर सकते। 32 इंच की स्क्रीन शायद 50-60-70 हज़ार की आती होगी, मेरे पास तो पड़ा था टीवी तो मैंने यूज़ कर लिया। और फिर ये भी सवाल उठता है कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं 1.5 मीटर दूर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑफिस में आप 1.5 मीटर दूर बैठोगे तो पीछे वाला काम बैठेगा, इतनी जगह नहीं होती, और फिर पीछे से कोई आएगा जाएगा तो टक्कर खा जाएगा, ठीक है। ऑफिस में 32 इंच के मॉनिटर भी आमतौर पर नहीं होते। इसका इलाज बता रहा हूँ मैं, इसका इलाज ये है कि ऑफिस में लैपटॉप तो तुम बंद कर दो, मॉनिटर तो तुम्हें चाहिएगा, इतना बड़ा नहीं, पर ऑफिस में करीब 21-22 इंच तक के मॉनिटर रखे जाते हैं, आमतौर पे मिलते हैं, ऑफिस वाले देते हैं, नहीं तो तुम खुद भी रख सकते हो। 21-22 इंच तक के मॉनिटर रखे जाते हैं, उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है। तुमने ये तो देख लिया, मैं वापस वीडियो ऐसे कर लेता हूँ, उससे तुम्हारा काम हो सकता है, ठीक है। अब 21-22 इंच का मॉनिटर ले लो, 1.5 मीटर दूर नहीं बैठना। जितना तुम जैसे जैसे फिर से एक बार ऐसे देखो, जैसे ये मान लो मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस है, मेरी टेबल, मैं ऐसे लगा करके काम करता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस इतना है, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या करो, चेयर को थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो, ठीक है, और ऐसे बैठने की जगह ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। अब लगभग डबल हो गया डिस्टेंस, डबल हो गया। चेयर मैंने हल्की सी पीछे करी, हल्की सी और पीछे कर लो, भली चेयर मैंने ज्यादा पीछे नहीं करी, ऐसा नहीं कि पीछे वाले को दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि पीछे से आने जाने वाले को दिक्कत होगी, और मैं ऐसे बैठने की जगह ऐसे बैठ गया, ठीक है। मैंने लगभग डबल या उससे ज्यादा कर लिया डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस ठीक है। दूसरी चीज, मॉनिटर हमारा 32 इंच का नहीं है, उससे छोटा होएगा, तो क्या करें, जूम कर लो, अक्षर बड़े कर लो। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट पे मुझे ये मिला कि डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, डिस्टेंस एक बड़ा फैक्टर है, डिस्टेंस से बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे अनुभव में, तुम अगर डिस्टेंस 1.5 मीटर या फिर 1 मीटर भी दूर नहीं हो पा रहे ना, तो तुम अगर अक्षर बड़े कर लोगे ना तो तुम्हारी आंख में दर्द होना बंद हो जाना चाहिए, मेरे बंद हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं 1.5 मीटर दूर बैठता और इस मॉनिटर पे मैं गूगल को इतना बड़ा पढ़ता, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस प्लस दबा करके अपने मॉनिटर पे इतना बड़ा कर लेता हूँ या इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उतना दूर नहीं बैठा। मैं दूर बैठूंगा तब भी कर सकता हूँ, मेरी को कैसे पसंद आ रहा है वो है। लेकिन अभी हम ऑफिस वगैरह की बात कर रहे हैं जहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसकी भी बात कर रहे हैं जहाँ पे जो मॉनिटर खरीद रहा है उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो 60-70 हज़ार की चीज़ खरीद सके, या ऑफिस में इतनी जगह नहीं इतना बड़ा मॉनिटर रखने के लिए, थोड़ा छोटा मॉनिटर रखा जा सकता है। तो थोड़ा दूर हो गए, दूर होने का हमने तरीका देख लिया, कुर्सी थोड़ी पीछे खिसका लिया, ऐसे की जगह ऐसे बैठ गए, ठीक है, और जूम कर लो, अक्षर बड़े कर लो। मेरे हिसाब से डिस्टेंस जो दूरी है उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर है अक्षर बड़े करना, अक्षर बड़े कर लो। तुम पहले से 1.5 मीटर से कम, पहले मैंने करीब 2 महीने 1.5 मीटर दूरी पे इतने बड़े मॉनिटर पे काम करके देखा, आंखों में दर्द नहीं था, क्यों, क्योंकि मेरे अक्षर भी बड़े थे और दूरी भी थी। फिर मेरी दूरी कम हुई, मैं करीब इतनी दूरी पे बैठने लग गया, जैसे मैंने बताया वैसे कुर्सी थोड़ी पीछे करके और पीछे होकर पीछे की तरफ हो गई कमर सीधी करके मैं इतनी दूरी पे बैठने लग गया, तो दूरी मेरी 1 मीटर से भी कम थी। ये शायद होगी मेरे ख्याल से 0.7 मीटर के आसपास होगी, या
0.6 मीटर भी हो सकती है, लेकिन फिर मेरी आंखों में ना थोड़ा दर्द होने लग गया, तो मैंने अक्षर बड़े कर लिए। और जैसे ही मैंने अक्षर बड़े करे ना, फॉन्ट बड़ा करा मैंने, जो भी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा था मैंने उसको कंट्रोल प्लस प्लस करके बड़ा कर लिया। या मैं जैसे किसी एडिटर में काम कर रहा हूँ, एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ, सब्लाइम टेक्स्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनके फॉन्ट साइज बड़े कर लिए, तो मेरी आंखों का दर्द एक दो घंटे में वापस जाने लग गया, चला गया, फिर मेरे को आंखों का दर्द नहीं महसूस हो रहा था। और अगर तुम्हें समझ ना है कि जूम मैं कितना कर लेता हूँ क्रोम पे, तो मैं करीब 250% 300% तक जूम कर लेता हूँ, और मैं बाकी टेक्स्ट एडिटर में भी लगभग इतना ही कर लेता हूँ। मतलब मेरा अगर ए इतना दिखता है ना, मैं उसका 3 गुना बड़ा कर लेता हूँ मेरे ए को, एक अक्षर को। डिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ा सा जितना बढ़ा सकते हो, स्क्रीन थोड़ी बड़ी रखो और फॉन्ट साइज बड़ा कर लो। अगर तुम्हारे उतने मॉनिटर में वो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करने के बाद में सब कुछ यूं नहीं आ रहा तुम्हें देखने के लिए, स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है, तो स्क्रॉल कर लो, तुम्हारी आंख की तकलीफ दूर होना ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के लिए, मेहनत करने से, ठीक है, मेरा अनुभव था। और आंख की जलन के लिए सिस्टेन अल्ट्रा ट्राई करके देख सकते हो, मेरे को भी ठीक लगी, और असर करने में 1-2 महीने दिखा सकती है आंख की दवाई है, और कई और लोगों ने भी कहा कि काफी फर्क हुआ, मुझे भी ठीक लगी, तुम ट्राई करके देख सकते हो, ठीक, महंगी दवाई है, 400 रुपए की आती है लगभग एक, तो तुम 2-3 महीने खर्चा करके देख सकते हो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो उतने वैसे ही तुम्हारी जेब डील कर देगा, ठीक है, तो वो भी ट्राई करके देख सकते हो। पर आंख के दर्द जो ज्यादा जरूरी है, आंख में तो तुम पानी भी डालोगे ना तो जलन एक बार कम हो जाएगी, पर ये दर्द जो है ना जाता नहीं है, बहुत लोगों के होता है, वो चश्मा लगाते हैं बहुत कुछ करते हैं नहीं हो पाता उनसे। ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया ना, ये मेरे लिए काम कर रहा है, और मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था, चश्मा लगाओ और नंबर लगाओ और डॉक्टर के जाओ और गोलियां खाओ और स्टीरॉयड ले लो भैंस की टांग, डॉक्टर तो कुछ भी जाओगे स्टीरॉयड ले लो, ये सब फंडे कुछ काम के नहीं थे जो मैंने बताया ना, फंडे काम के मेरे लिए काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है सब चीज़ें कैसे काम करती है, तो अगर मेरे लिए काम कर रहा है तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। और हाँ एक बात और, जो मैं अक्षर बड़े करने वाली बात बोल रहा हूँ कि अक्षर बड़े करने से आंखों पे जोर कम पड़ेगा उन्हें पढ़ने में, तो तुम्हारी आंखें कम दुखेगी या नहीं दुखेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को का एक प्रूफ ये भी है कि तुमने ध्यान दिया हो कि बहुत लोग जो पढ़ते हैं ना, किताबें जो बहुत पढ़ते हैं, उनके आमतौर पर चश्मा होता है। तुमने अगर ध्यान दिया, मैंने ये बात पिछले कुछ 6 महीनों में इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया होगा, क्योंकि वो लोग क्या है, किताबें जो हमारे भारत में आती है, मुझे नहीं पता पूरी दुनिया में जो भी किताबें आती होंगी उनमें अक्षर छोटे लिखे होते हैं ना, कितना लिखा होता है एक अक्षर, कितना लिखा हुआ होता है और कितना लिखा होता है, तो किताबों के अक्षर छोटे होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो छोटी चीज को, छोटे अक्षर को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनकी आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है, उनकी धीरे धीरे चश्मा लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि इससे मुझे, मतलब बड़े अक्षर से फर्क होता है, इस चीज को मैं इस बात से भी बैक करता हूं अपने दिमाग में कि बड़े अक्षर पढ़ोगे तो चश्मा नहीं लगेगा, किताबों में जैसे छोटे अक्षर पढ़ते हैं तो बहुत लोगों को चश्मा लग गया, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी राय है, मतलब मैं इस चीज़ को इस बात से भी बैक करता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इसका प्रूफ है। कंप्यूटर और बुक में एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये भी है, कंप्यूटर और किताब में, कि तुम किताब में जूम नहीं कर सकते, तुम कंप्यूटर में जूम कर सकते हो, तुम कंप्यूटर में अक्षर बड़ा कर सकते हो, किताब का तुम अक्षर ऐसे पन्ना फाड़ के बड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किताबों की जगह कंप्यूटर में पढ़ो या पन्ने पे लिखी हुई किताब की जगह ई बुक पढ़ो, कंप्यूटर पे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा, कंप्यूटर से जो किरणें आती है वो सीधी हमारी आंखों पे आती है, तो हमारी आंखें और ख़राब कर सकती हैं। तो बजाय कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़े अक्षरों वाली किताबें पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ, और तुम अगर इस चीज़ पे और सोचो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हमारी आंखों में दर्द नहीं हुआ, क्यों क्यों, क्योंकि हमें सामने जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता था ना स्कूलों में, बोर्ड पे, सफ़ेद बोर्ड पे या काले बोर्ड पे, उसमें अगर हम क्लास में एकदम पीछे बैठे होते थे ना, तो अक्षर एक अक्षर लगभग इतना बड़ा बोर्ड पे लिखती थी हमारी मैडम, तो वो अक्षर हमें पीछे तक हमारी आंख पे जोर नहीं डालता था, वो एक अक्षर इतना बड़ा होता था कि पीछे तक जोर नहीं डालता था, और फिर पीछे से दिखता नहीं था, तो हम बोलते थे दिख नहीं रहा मैम, दिख नहीं रहा, तो थोड़ा और बड़ा लिख देती थी कि अब दिख रहा है क्या। तो ये तो एक बात कि वहाँ पे अक्षर इतने बड़े होते थे कि पीछे तक हमें आराम से दिखते थे, हमारी आंखों पे जोर नहीं लगता था, हमारी आंखें दुखी नहीं कभी क्लास में ऐसे पढ़ते हुए, ये वो एक बात। दूसरी बात, वो बोर्ड जो था वो स्क्रीन नहीं थी, वो किरणें नहीं छोड़ रही थी हमारी आंखों के ऊपर, वो बोर्ड हमारी आंखों के ऊपर किरणें नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। तो ये जो किरणें छूटने वाली बात है, इस पे मैं एक और बात बोलूंगा, कंप्यूटर मोबाइल टीवी ये क्या करता है, हमारी आंख पे ऐसे किरण छोड़ता है, ठीक है, ऐसे
ठीक है। अब और हम असली में जब कोई चीज देखते हैं, अगर तुमने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी हो और उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दिया कभी, तो सूरज की रोशनी से हमें चीजें दिखाई देती, सूरज की रोशनी से हमें चीजें दिखाई देती। तो सूरज की रोशनी मान लो एक दीवार पे पड़ रही है, दीवार से टकर के वो रोशनी हमारी आंख पे आ रही है, तो हमें वो दीवार दिख रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो अगर यही चीज हम, लेकिन यार अगर तुम सूरज की तरफ सीधा देखने लग जाओगे तो तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द होने लग जाके, जलने लग जाके, खराब भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वही रोशनी जो दीवार पे पड़ के तुम्हारी आंख पे आ रही थी, अब वो सीधी तुम सूरज पे देख रहे हो, ठीक है, वही रोशनी तुम सीधी अपनी आंख में ले रहे हो। कंप्यूटर में भी तो, और टीवी और मोबाइल में भी तो हम यही कर रहे हैं, वो रोशनी सीधी हम अपनी आंख में ले रहे हैं। जैसे मेरे मॉनिटर से आएगी तो मैं सीधी अपनी आंख में लूंगा, ठीक है। कितना अच्छा हो कि ये जो लाइट आ रही है मेरी आंख की जगह दीवार पे आए और दीवार से मेरे पे, वो क्या होता है, प्रोजेक्टर। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा फायदा तुम्हें शायद इससे हो सकता है, हालांकि मैंने प्रोजेक्टर वाले ट्राई नहीं किए, पर मैंने इंटरनेट पे देखा था और ये होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कि प्रोजेक्टर में क्या होता है कि जो तुम्हारे कंप्यूटर पे चल रहा है वो मान लो ये प्रोजेक्टर है, तो यहाँ से लाइट जाएगी सामने वाली दीवार पे, सीधी मेरी आंख पे नहीं आएगी। अगर तुम प्रोजेक्टर में ही आंख डाल के देखोगे ना प्रोजेक्टर में, तो तुम्हारी आंख बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन ये लाइट जाएगी दीवार पे, दीवार पे एक इमेज बनेगी, ठीक है। वो इमेज जो बन रही है मुझे दिख कैसे रही है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट गई वो टकर के वापस मेरी आंख पे आई, तो मुझे वहां पे कुछ दिखा। तो प्रोजेक्टर में क्या है कि सीधी ये लाइट जो है ना, ये हमारी आंख में नहीं आ रही, किरणें हमारी आंख में नहीं आएगी। तो अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर भी शायद 10,000 रुपए का आता है, 5,000-10,000 रुपए, मैंने इंटरनेट पे देखा था, देखते का आता है, मैंने अभी तक खरीदा नहीं। तुम्हारे पास में पैसे हैं और तुम्हारे पास में एक दीवार है, क्योंकि ऑफिस में तुम प्रोजेक्टर पे शायद काम नहीं कर पाओ, क्योंकि सब लोग अगर प्रोजेक्टर पे काम करे तो इतनी जगह कहाँ से आएगी। लेकिन अगर तुम घर पे काम करते हो या तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, घर पे काम करते हो, तुम्हारी आंख दुख रही है, तो तुम अगर प्रोजेक्टर काम ले हो तो एक दीवार पे, अब ये तुम इंटरनेट पे देख लेना प्रोजेक्टर सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। शायद सफ़ेद बैकग्राउंड चाहिए, वो प्रोजेक्टर के साथ आता है, एक सफ़ेद शीट आती है शायद, जो भी है। तो एक तुम्हें वो मॉनिटर से भी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो तुम प्रोजेक्टर पे दीवार पे लगा लो वो स्क्रीन, यहाँ से तुम्हारा प्रोजेक्टर उस पर लाइट फेंकेगा, वो तुम्हारी तुम्हें वहाँ पे वो इमेज दिखेगी, तो वो लाइट वहाँ से टकर के तुम्हारी आँख पे आ रही है, सीधी प्रोजेक्टर से नहीं आ रही, सीधी सूरज से नहीं आ रही, सीधी कंप्यूटर से नहीं आ रही, वो टकर के आ रही है। जैसे हम बचपन से चीज़ें देखते हैं कि सूरज की रोशनी टकर के आ रही है, सूरज की रोशनी सीधी नहीं आ रही हमारी आँख में, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टर इलाज हो सकता है। अब तुम्हारा सवाल उठेगा कि जब हम दूर बैठे, जैसे तुम ये भी पूछ सकते हो कि मैं 1.5 मीटर दूर बैठा था तो मेरे कीबोर्ड और माउस की तारें इतनी लंबी थी, क्या तुम कीबोर्ड और माउस की तारें लंबी रख सकते हो, तुम एक्सटेंशन केबल ले सकते हो, या फिर तुम ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड और माउस यूज़ कर सकते हो, कि तुम दूर बैठे बैठे, चाहे तुम 3-4 मीटर दूर बैठे हो तो तुम वो कीबोर्ड माउस यूज़ कर रहे हो। प्रोजेक्टर में भी तुम काफ़ी दूर बैठे हो, प्रोजेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके पास में नहीं बैठा जाता दीवार के, दूर बैठा जाता है, काफ़ी 3-5 मीटर दूर बैठा हो तुम करीब, तो उसमें भी तुम लंबी तारे वाले कीबोर्ड माउस काम ले सकते हो, ब्लूटूथ वाले। अभी पिछले 4-1 महीनों से तो मैं ब्लूटूथ वाले काम ले रहा हूँ, लेकिन यार क्या है ना कि किरणें नुकसान ही करती है, चाहे वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, आमतौर पर सूरज की किरणों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लूटूथ है या जो हम वाईफाई है, हमारे जो रेडियो वाली किरणें हैं जो इनसे निकलती है, जो हमें दिखती नहीं है, ये हमारे शरीर में नुकसान कर सकती है। तो अगर जैसे अगर तुम 20 सालों तक ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड यूज़ करोगे, काम लोगे, तो हो सकता है तुम्हें ये किरणें तुम्हारे शरीर में क्या पता कैंसर कर दे, रेडियो वेव्स पता नहीं क्या कर दे, तुम्हारे रेडियो रेज जो भी होती है रेडियो वाली किरणें। तो ज़्यादा ठीक यही है कि तुम तार वाली चीज़ें काम ले, जैसे फ़ोन है तो लोग जेब में रखते हैं या ये ऊपर वाली जेब में रखते हैं, कान पे बात करते हैं, तो कहते हैं इनकी किरणें नुकसान करती है, ये जो दिख नहीं रही किरणें वो वाली किरणें हैं, तो ब्लूटूथ में भी है वो किरणें। तो मतलब अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम तार वाला कीबोर्ड काम ले सकते हो, लंबी तार खरीद सकते हो, या फिर एक्सटेंशन केबल यूज़ कर लो, वो तुम देख लो। पर मैंने तुम्हें अपने सुझाव दे दिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हो, शेयर तो तुम्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों की मदद कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है ना, बहुत सारा रोजगार कंप्यूटर पे है, ठीक है। और रही मोबाइल की बात, तो मोबाइल हम पास से देखते हैं, मोबाइल पे छोटा लिखा होता है इलाज क्या है, मोबाइल कम काम लो, चैटिंग कम करो, सिर्फ काम की जरूरत की चीज़ के लिए मोबाइल काम लो ना यार, पर ये मेन कंप्यूटर के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करेगा। कमेंट करता हूँ अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो, मेरे ख्याल से अगर तुम ये करके देखो तो तुम्हारा फायदा होना चाहिए।
मैं करीब 6-7 साल से परेशानियों से जूझ करके मैंने कॉन्क्लूजन निकाला है और ये मेरे लिए वर्क करा है तो तुम्हारे लिए भी ये काम करना चाहिए, मेरे लिए काम करा है तुम्हारे लिए भी करना चाहिए, और लाइक भी कर सकते हो। चलो नमस्कार।